नमस्कार, सिटी पोस्ट पे आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वसीत। सीपीआई नेता कन्हैया कुमार और जेडीयू के नेता अशोक चौधरी के मुलाकात पे अब जेडीयू के सहयोगी पार्टी बीजेपी नाराजगी जाहिर की है। बीजेपी के नेता है प्रेम रंजन पटेल और प्रवक्ता भी हैं, उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि कन्हैया कुमार जो है जब जेएनयू के प्रेसिडेंट थे तो बहुत कुछ अपशब्द जो है नरेंद्र मोदी के लिए कहा था और उसके बाद जो है हम लगातार वो बीजेपी के ऊपर हमलावर रहते हैं, बीजेपी को हमेशा घेरते हुए नज़र आते हैं। कन्हैया कुमार नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो या राजनाथ सिंह हो, उनको वो घेरते नज़र आते हैं। लेकिन अब मुलाकात जब जेडीयू के नेताओं से हो रही है तो बीजेपी में बेचैनी बढ़ रही है, क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती है कि कन्हैया कुमार जेडीयू के नज़दीक आए। इसीलिए कल जो मुलाकात हुई अशोक चौधरी और कन्हैया कुमार की, तो इसके कई मायने भी बिहार के राजनीति में निकाले जा रहे हैं। लेकिन अब उनके ही सहयोगी पार्टी इस पर नाराज़गी जाहिर कर रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आगे क्या रणनीति होती है, क्या कुछ इस पर आगे विचार किया जाता है, जेडीयू की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि कन्हैया कुमार जब से वो सक्रिय राजनीति में आए हैं, चाहे वो दिल्ली में जेएनयू में जब वो अध्यक्ष थे, तो लगातार उस वक्त से ही बीजेपी को घेरते हुए बीजेपी के ऊपर हमला करके ही वो आज बिहार के और देश के राजनीति में सक्रिय हो पाए हैं। लेकिन अब उनके ही सहयोगी से वो लगातार नज़दीकियाँ उनकी बढ़ रही है और मिलना जुलना चालू है। तो उनके ही बीजेपी के जो बहुत दिनों से अलायंस है बिहार में और सरकार भी चल रही है बीजेपी और जेडीयू के साथ में, तो अब बीजेपी को इस पर नाराज़गी जाहिर करना लाजमी है और इसलिए वो नाराज़गी जाहिर भी कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी के शीर्ष नेताओं के द्वारा अब क्या बयान आता है और जेडीयू के शीर्ष नेताओं के द्वारा इस मुलाकात पे क्या बयान आता है, ये देखने वाली बात होगी। क्या कुछ कहा है प्रेम रंजन पटेल ने, आप उनके बातों को सुनिए। काम को लेकर के अगर कोई मिलते हैं तो इसमें कौन सा हर्ज है? जो सरकार में बैठे लोग हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो मंत्री हो, उन्हीं से लोग मिलेंगे ना, अपनी बात रखेंगे, अपनी बात करेंगे, अपने क्षेत्र में या अपने विकास की बातों की चर्चा करेंगे। निश्चित तौर पर अगर कन्हैया कुमार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव कांग्रेस के लोगों ने पार नहीं किया है, मुझे लगता है कि अपना वजूद बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मतलब आप लोग को लग रहा है कि वो जेडीयू में भी जा सकते हैं? अब ये जेडीयू को तय करना है कहाँ जाएंगे, लेकिन कन्हैया कुमार प्रधानमंत्री के खिलाफ अनर्गल तरीके से और अपशब्दों का प्रयोग किया है, उनके खिलाफ जिस प्रकार का भाषा का प्रयोग किया है, देश की जनता उसको कभी माफ नहीं कर सकती है। चुने हुए व्यक्ति हैं, देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, और उनके खिलाफ कोई बोलेगा तो 132 करोड़ देश की जनता कभी उसको माफ नहीं कर सकती है। तो आपने सुना प्रेम रंजन पटेल के बातों को, जो कह रहे हैं कि ये कन्हैया कुमार की जेडीयू से नज़दीकी नहीं होने चाहिए, ये मुलाकात नहीं होनी चाहिए, इस पर वो खास तौर से जाहिर नाराज़गी जाहिर की है। आपको तमाम ऐसी खबरों से हम लगातार अपडेट रखेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।